मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक ऐसी स्थिति चेक बाउंस के मामले में जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप मामला लगाते हैं, यदि चेक जारी करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या करें, विषय महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक अनुरोध है, यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है अर्चना आरटी आपके नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। विषय पर आता हूं। कई बार क्या होता है कि चेक जारी करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ये इसमें महत्वपूर्ण विषय है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस हो गया, व्यक्ति ने चेक जारी किया हुआ है या दस्तखत करके पहले से, और तो आप उसमें क्या करेंगे। तो इसमें दो रेमेडी आपको उपलब्ध है। क्रिमिनल केस में तो जो भी आप कंप्लेंट पेश करते हैं 138 ए की, यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो वो मोस्टली एबेट हो जाता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग केवल जीवित व्यक्ति के विरुद्ध चल सकती है, लेकिन आप सिविल सूट अगर 3 साल के अंदर रिकवरी का लगा देते हैं सिविल न्यायालय के समक्ष, कोर्ट फीस उसमें पे करनी होती है, तो आप वो इंटरेस्ट और पेनल्टी वसूल कर सकते हैं उससे। तो ऐसी स्थिति में इनकी एक 138 में 30 दिन की समयावधि और 15 दिन का नोटिस देकर आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट केस या परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश कर सकते हैं। मैंने इस चैनल पर वीडियो कई डाले हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, वो आप देख सकते हैं। चेक जारी इश्यू करने वाले की पहले अगर डेथ हो गई है तो चेक इश्यू करने के पहले डेथ हो जाने के कारण आप उसमें मुलजिम, क्योंकि डेथ हो गई है तो वो केस एवेट हो जाता है और वो खत्म माना जाएगा क्योंकि अभियुक्ति नहीं है, और इसमें चेक जारी करने वाले एलआरस के विरुद्ध आप सिविल केस में पार्टीज बना सकते हैं, उसको सिविल सूट ला सकते हैं, लेकिन उसकी अवधि जैसा मैंने बताया 3 वर्ष तक की आप रिकवरी कर सकते हैं। दोनों केस इसलिए प्राय पार्टीज एक साथ लगाती हैं, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का और सिविल केस डैमेजेस वगैरह की वसूली के लिए रिकवरी सूट के रूप में, और इसमें समरी प्रोसीडिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में मेरा यही सुझाव है कि दोनों केस एक साथ लगा दें, दोनों रेमेडी अलग अलग हैं, कोर्ट दोगुना तक पेनल्टी भी दिला सकती है। तो अपने रुपयों की रिकवरी के लिए आप कंप्लेंट के साथ साथ चेक बाउंस के मामले में और रिकवरी फॉर जो भी आपकी मनी है उसके लिए दावा लगाएं। समरी है, जल्दी निबट जाता है और 3 साल के अंदर आवश्यक रूप से लगा दें। सिविल केस की लिमिटेशन 3 साल है। तो मैंने ये जानकारी चेक बाउंस केस अगेंस्ट लीगल हेयर्स ऑफ एक्यूज्ड के संबंध में सरल शब्दों में दी। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। मैं इस चैनल पर विभिन्न कानूनी बिंदुओं को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत से लोग इसमें लाभान्वित हुए हुए हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कमेंट हो तो उसमें पूछें, मैं यथासंभव आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। कुछ लोगों द्वारा ये पूछा गया था, इसी कारण ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।